क्लास में अपना पीरियड लेने गया हुआ था केमिस्ट्री पीरियड, और बच्चों के डाउट्स क्लियर करने गया था, और ये अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था। फिर हमने बच्चों के जिनके डाउट्स थे उनके क्लियर करे थे, एकदम से ऑल ऑफ सडन देखा ये जमीन पे गिर गया, और मैं फौरन दौड़ा, बच्चे सब गए कि देखिए इनको क्या हो गया सर। और जब तक कि फिर मैंने अपने हाथों में उठाया उसको, टेबल पे रखा और ट्राई किया उसको पंप करने का काफ़ी, और एक बार उसे सांस खींची, उसके बाद तो उसने हाथ पैर एकदम डाल दिए। और फिर हमने अपनी नर्स को बुलाया डिस्पेंसरी से, उन्होंने बोला कि जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए इसको। हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए, एक नियर बाय नर्सिंग होम में लेकर गए, तो वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने बोला कि इसको फ़ौरन आप नारी ले जाइए, तो पेशेंट कुछ भी रह चुका नारी हॉस्पिटल, बट आई कैनॉट फाइंड हिज पल्स राइट नाउ, तो प्रोबेबली यू विल गेट अ फ्लैट लाइन इफ दे विल डायग्नोज। तो यहाँ पे जब लेकर आए तो इन्होंने जब डायग्नोज किया तो बोला कि अब ध्यान नहीं है और डिक्लेयर्ड है। अपना परिचय दे दीजिए एक बार। नदीम खान हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्लास 9। आप सब्जेक्ट टीचर हैं? सब्जेक्ट टीचर। क्या नाम है आपका? नदीम खान। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री पढ़ा। कौन से पीरियड चल रहा था सर? वो 7th पीरियड और 0 पीरियड के बीच का क्लास था। 7th पीरियड स्टार्ट हुआ था लेकिन मेरा उस वक्त 3 पीरियड होता है, मैं गया था बच्चों के डाउट्स क्लियर करने, तो जो टीचर पहले थे उनको रिलीव कर दिया था मैंने, मैं खुद पढ़ाना चाहता।